तो बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। इसके जो आपके एनिमल्स हैं आप अपने सराउंडिंग में बहुत देखते हैं इनको, जैसे घर पे आप कॉकरोच देखते होंगे या फिर क्या देखते हो, इंसेक्ट्स देखते हो, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है। तो सबसे ज्यादा जो आपके एनिमल्स अपने सराउंडिंग में हम देखते हैं वो किसके देखते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के देखते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, जितने आपके ऑर्थ्रोपोड्स हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके जॉइंटेड अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगे। आप बॉडी को अगर बाहर से देखो तो आप ये जज कर सकते हो कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे ऑर्थ्रोपोड्स के। और कैसे कैरेक्टर्स है बेटा, आपके जनरल कैरेक्टर्स है। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें जो आपके ऑर्थ्रोपोड्स में मिलेंगे, सबसे पहला फीचर है जॉइंटेड अपेंडिजेस। जो इनकी बॉडी होगी वो बच्चे यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाला पार्ट। कि अगर आप यहाँ डायग्राम भी देखो तो आपको क्या दिखेगा, एक तो कैसा पार्ट दिख रहा है, हेड वाला पार्ट, देन आपका आएगा थोरैक्स और इसके अलावा क्या आएगा, आपका एब्डोमेन वाला पार्ट। तो मैक्सिमम जो आपके ऑर्थ्रोपोड्स होंगे, जितने एनिमल्स हैं जितने ऑर्थ्रोपोड्स हैं सबके बॉडी के बाहर क्या मिलेगा, काइटिन का एक्सोस्केलेटन मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे एग्जाम में ये, हेलो बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग, मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। चैप्टर क्या चल रहा है, 11th का एनिमल किंगडम चल रहा है। क्या क्या डिस्कस कर लिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया, फिर हमने फाइलम स्टार्ट किए, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेडी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, एनेलिडा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका फाइलम ऑर्थ्रोपोडा डिस्कस करेंगे, जो आपको पता है सबसे बड़ा फाइलम है। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो जो लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का वो क्या है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। इसके जो आपके एनिमल्स हैं आप अपने सराउंडिंग में बहुत देखते हैं इनको, जैसे घर पे आप कॉकरोच देखते होंगे या फिर क्या देखते हो, इंसेक्ट्स देखते हो, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है। तो सबसे ज्यादा जो आपके एनिमल्स अपने सराउंडिंग में हम देखते हैं वो किसके देखते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम अपने टर्म की बात करें जो क्या है हमारा ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रो का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसकी मीनिंग है। ऑर्थ्रो की अगर आप बात करो तो ऑर्थ्रो का मतलब क्या होगा, आपका जॉइंटेड, ठीक है। ऑर्थ्रोस मतलब क्या होता है, आपका जॉइंटेड। एंड अगर आप नेक्स्ट टर्म की बात करो दैट इज द पोडा, पोडा का मतलब क्या होता है, लेग्स, है ना, लेग्स, या फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपेंडेजेस, है ना, आप क्या बोलोगे, लेग्स या फिर अपेंडेजेस। तो ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, जितने आपके ऑर्थ्रोपोड्स हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट की, तो बेटा हमारे जो ऑर्थ्रोपोड है, आप बोलते हो कि ये कैसे होंगे बच्चे, आपके कॉस्मोपॉलिटन होंगे। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है कि ये सब जगह प्रेजेंट होंगे, आपको ये हर जगह दिखेंगे। ये एक्वेटिक भी होंगे एज वेल एज ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, ये फ्री लिविंग भी होंगे, मतलब इनको किसी भी होस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, एज वेल एज ये क्या होंगे, पैरासिटिक भी होंगे। एंड ये कैसे होंगे, या तो अकेले रहेंगे या फिर कैसे रहेंगे, कॉलोनीज में रहेंगे, है ना, हनी भी सबने देखी होगी कॉलोनीज में प्रेजेंट होती है, तो ये तो बेसिक कैरेक्टर है। देन आते हैं हम अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हमें पता है कि जो हमारा फाइलम एसके हेलमेंथीज है वहां से कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसके हेलमेंथीज से पढ़ा। फिर अगर आप सिमेट्री की बात करो, प्लेटी हेलमेंथीज से याद होगा, प्लेटी हेलमेंथीज से कैसी सिमेट्री पढ़ रहे हो, बाइलिटरल सिमेट्री पढ़ रहे हो, कि अगर आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करोगे केवल कहां से, एक प्लेन से, तो आपको क्या मिलेंगे, 2 equal halves मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगी, मिरर इमेजेस मिलेंगी। तो ये कहां से स्टार्ट हो गया था, प्लेटी हेलमेंथीज से स्टार्ट हो गया था। देन बात करते हैं जर्म लेयर्स की, तो ये कैसे एनिमल होंगे बच्चे, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। यहाँ पे तीनों जर्मिनल लेयर है, आउटर वाली एक्टोडर्म, मिडल वाली मीजोडर्म और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, इनर वाली एंडोडर्म। कहां से स्टार्ट हो गई, प्लेटी हेलमेंथीज से स्टार्ट हो गई। अभी प्लेटी हेलमेंथीज से आपने जितने फाइलम पढ़े सब में कैसे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। फिर अगर हम सीलोम की बात करें तो ये कैसे होंगे बच्चे, आपके सीलोमेट होंगे, मतलब यहाँ पे आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है और जो आपकी बॉडी की वॉल है दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसको आपने क्या बोला है, सीलोम बोला है। कहां से स्टार्ट हुई हमारे, एनेलिडा से स्टार्ट हुई। आपके प्लेटी हेलमेंथीज था कैसे थे, एसीलोमेट थे। आपका जो एसके हेलमेंथीज था कैसे था,
स्यूडोसिनोमिक था, एंड अब जो आपका एनेलिडा के बाद के जितने फाइलम है वो सारे कैसे होंगे, सिलोमेट एनिमल होंगे। तो बच्चे अगर आप ऐसे करके पढ़ोगे तो क्या आपको कंपैरिजन याद नहीं होंगे, क्या आपको जनरल कैरेक्टर याद नहीं हो जाएंगे? फिर नेक्स्ट अगर आप फीचर की बात करो तो क्या है बच्चे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि यहाँ पे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, माउथ एंड एनस होगा। माउथ के थ्रू क्या कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड कर रहे हैं, और एनस के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं। क्या आपने बोला इसकी बॉडी में माउथ भी मिलेगा एज वेल एज यहाँ पे क्या मिलेगा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, एनस भी मिलेगी। मतलब वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आता है रेस्पिरेशन। अब अभी तक बच्चे आपने क्या पढ़ा, जो आपके एनेलिडा तक थे वहां मैक्सिमम आपने क्या पढ़ा कि स्किन के थ्रू क्या हो रहा था, आपका जनरली रेस्पिरेशन हो रहा था। बट अब ऑर्थ्रोपोडा से आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या होंगे, गिल्स होंगे। किसके अंदर होंगे, जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, प्रॉन है। इसके अलावा वो गिल्स होंगे किसके अंदर होंगे, किंग क्रैब के अंदर होंगे। देन ट्रैकिया होगा आपका, जो क्या कर रहा है, डायरेक्ट आपके जो ऑक्सीजन है उसको किसको दे रहा है, हमारे टिश्यूज को दे रहा है। किसमें प्रेजेंट है, इंसेक्ट में, कॉकरोच के अंदर। याद होगा क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद बुक लंग्स, ये किसमें मिलेंगे बच्चे, स्कॉर्पियन में मिलेंगे। स्कॉर्पियन स्पाइडर इसमें क्या मिलेंगे, बुक लंग्स मिलेंगे। तो आपके, हमने बोला ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, तो यहाँ पे फीचर्स भी क्या हो जाएंगे आपके, ज्यादा हो जाएंगे। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगेन अलग अलग तरीके के होंगे। अगर हम प्रॉन की बात करें, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड की बात करें, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, ग्रीन ग्लैंड। इनको ग्रीन ग्लैंड या फिर आप क्या बोलते हो, एक और नेम से आप इन्हें जानते हो, दैट इज द एंटीनरी ग्लैंड। आप क्या बोलते हो, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, किसमें, प्रॉन्स में। देन कॉक्सल ग्लैंड होगी किसमें बच्चे, आपके स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स में होगी। एंड देन आपका मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, सबसे कॉमन जो आपने पढ़ा होगा कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल होगा, जो क्या कर रहा होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्सक्रीशन था। देन नेक्स्ट आते हैं हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में। आपने एनेलिडा में बच्चा याद होगा, एनेलिडा में आपने पढ़ा था कि कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब वहां पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम अपने ऑर्थ्रोपोड्स की बात करें तो यहाँ कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप का। यहाँ ब्लड कैपिलरी एब्सेंट होगी, यहाँ जो फ्लूइड है वो डायरेक्टली किसमें जाएगा, आपके साइनसेस में जाएगा। यहाँ जो फ्लूइड होगा वो किसमें आएगा, आपका एम्प्टी स्पेसेस में आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, साइनसेस बोलते हो। और कौन सा फ्लूइड आएगा, आपका हीमोलिम्फ आएगा, जो हमारा हीमोलिम्फ है। ये कैसा फ्लूइड होगा बच्चे, आपका कलरलेस फ्लूइड होगा, व्हाइट कलर का आपको दिखेगा। तो ये जो कलरलेस फ्लूइड है, जो हीमोलिम्फ है, ये डायरेक्टली किसमें जाएगा, आपके एम्प्टी स्पेसेस या फिर आपने क्या टर्म दिया है, साइनसिस में जाएगा। ये तो क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम था। देन अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या प्रेजेंट होगी, नर्व आपकी रिंग्स में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा नर्व कॉर्ड की बात करें बच्चे, तो जितने हमारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो कैसा होगा, डबल होगा, मतलब टू है, सॉलिड होगा। सॉलिड का मतलब क्या है कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो नर्व कॉर्ड है कैसा है, हॉलो है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में कैसा होता है, सॉलिड होता है। एंड कैसा होता है, वेंट्रल, मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट होगा। हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, डॉर्सल होगा, लेकिन इसमें कैसा होता है, वेंट्रल होता है, आगे की तरफ होता है। तो कैसा है, डबल है, सॉलिड है, और कैसा है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। क्लियर होगा इतना। देन अगर हम सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो क्या क्या सेंसरी ऑर्गन में होगा, आईज होंगी। आईज आपको पता है, कॉकरोच में अगर आपने ध्यान दिया होगा, दो तरीके की आई प्रेजेंट होती है। एक तो होगी बेटा यहाँ पे सिंपल आई, और दूसरी कौन सी होगी, आपकी यहाँ पे कंपाउंड आई प्रेजेंट होगी। और मेनली जो आपके देखने के लिए जो यूज होगी वो कौन सी होगी, आपकी यहाँ पे कंपाउंड आई होगी। अगर हम विजन की बात करें तो विजन के लिए मेन आई कौन सी है, कंपाउंड आई, मोजाइक विजन जो बनाता है बेसिकली। मतलब जिसमें क्या होता है कि एक यूनिट एक पार्ट देखेगी, दूसरी यूनिट दूसरा पार्ट देखेगी। तो ये क्या है, आपका आपके सेंसरी ऑर्गन है, आईज है। इसके अलावा क्या होंगे, एंटीना। कॉकरोच में देखिए ना, दो एंटीना आगे की तरफ निकले होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होंगे, जो क्या है, सेंस कर रहे हैं।
इसके अलावा क्या होगा, स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट जो बच्चे हमारा होता है वो कैसा है आपका बच्चे, ये आपको और भी एनिमल्स में देखने को मिलेगा। ये कैसा ऑर्गन है आपका यहाँ पे, बैलेंसिंग ऑर्गन। ये बेसिकली किसमें हेल्प करता है, आपकी बॉडी बैलेंसिंग में यूज होता है। तो स्टैटोसिस्ट क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या था इसका, नर्वस एंड आपका कैसा सिस्टम था ये आपका, इसके अलावा सेंसरी सिस्टम था, ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं जो लास्ट आपका है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो एनिमल्स है कैसे होंगे, डायोशियस होंगे, मेल फीमेल दोनों सेपरेट होंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसा फर्टिलाइजेशन करेंगे, जो एक्वाटिक फॉर्म्स है वो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, और जो आपकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो कैसा फर्टिलाइजेशन शो करेगी, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगी। मतलब जो गैमेट्स का फ्यूजन होना होगा वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों तरीके का डेवलपमेंट है, डायरेक्ट भी है एज वेल एज इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट तो बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, कैटरपिलर लार्वा है। तो वहां कैसे डेवलपमेंट है आपका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसके अलावा अगर आप स्पाइडर की बात करो तो क्या स्पाइडर में कोई लार्वा सुना है, वहां कैसा डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। यहां दोनों तरीके के आपको मिलेंगे, बिकॉज आपकी क्या है, वेराइटी ऑफ एनिमल्स इस फाइलम में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपके शो करेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। ये आप बॉडी को अगर बाहर से देखो तो आप ये जज कर सकते हो कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे ऑर्थ्रोपोड्स के। और कैसे कैरेक्टर्स है बेटा, आपके जनरल कैरेक्टर्स है। नाउ यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें जो आपके ऑर्थ्रोपोड्स में मिलेंगे, सबसे पहला फीचर है जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसीलिए तो नाम क्या पड़ा है, ऑर्थ्रोपोडा पड़ा है, कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। देन जो इनकी बॉडी होगी वो बच्चे यहाँ पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाला पार्ट। कि अगर आप यहाँ डायग्राम भी देखो तो आपको क्या दिखेगा, एक तो कैसा पार्ट दिख रहा है, हेड वाला पार्ट, देन आपका आएगा थोरैक्स, और इसके अलावा क्या आएगा, आपका एब्डोमेन वाला पार्ट। तो मैक्सिमम जो आपके ऑर्थ्रोपोड्स होंगे उसमें बॉडी का डिविजन आपका प्रेजेंट होगा, क्लियर होगा ये हमें। इसके अलावा जो बॉडी है, जो जितने ऑर्थ्रोपोड्स है सबकी बॉडी किससे कवर्ड होगी बच्चे, आपकी यहाँ पे काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होगी। जितने एनिमल्स हैं, जितने ऑर्थ्रोपोड्स हैं, सबके बॉडी के बाहर क्या मिलेगा, काइटिन का एक्सोस्केलेटन मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे एग्जाम में ये काइटिन का, आपने और भी कहीं पढ़ा होगा, फंगस पड़ी होगी बॉटनी में, उसमें भी क्या प्रेजेंट होती है, बॉडी वॉल आपकी फंगस की, आपकी काइटिन की बनी होती है। और अगर आप अपने ऑर्थोपोडा की भी बात करो, कॉकरोच की बात करो, मॉस्किटो की बात करो, जितने आपके एनिमल्स हैं इसमें क्या मिलेगा, काइटिन का एक्सोस्केलेटन मिलेगा। तो जनरली इसमें जो क्वेश्चन आता है या तो सीधा सीधा काइटिन पे आ जाता है, या फिर आपको पता होगा काइटिन का जो मोनोमेरिक फॉर्म है, काइटिन कैसा है, पॉलीमर है ना, तो इसका मोनोमेरिक फॉर्म क्या है आपका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसका जो आपका मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, नैग बोलते हो। तो क्वेश्चन भी कैसा भी आए, या तो आपका काइटिन आ जाए या एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आ जाए, तो भी आप क्या करके आओगे, करेक्ट करके आओगे, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके यूनिक फीचर थे। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बोला यहाँ पे डिफरेंट आपके एनिमल्स हैं, आपके कुछ कैसे होंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एनिमल्स होंगे जिसमें आपने लार्क इंसेक्ट वगैरह आपने पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ कैसे आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे जो मतलब आपके क्या कर रहे हैं, डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे आपका मॉस्किटो वगैरह हो गया, वो किस में आ जाते हैं, वैक्टर में आ जाते हैं, एनाफिलीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, वो सब हमारा हो गया। इसके अलावा क्या आ जाते हैं आपके, पेस्ट आ जाते हैं, है ना। जो लोकस्टा है वो क्या करता है, ग्रिगेरियस पेस्ट आप उसको बोलते हो, कि वो क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है हमारे जो प्लांट्स है उनको। तो ये सारे क्या है, और इसके अलावा क्या आता है, किंग क्रैब आता है, जिसको आप बच्चे क्या बोलते हो, अपना लिविंग फॉसिल, है ना। ये तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि किंग क्रैब क्या आपका लिविंग फॉसिल है। तो आपके एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स गिवन है वो तो बच्चे आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो, जिसमें आपकी हनी भी आ गई, लार्क इंसेक्ट आ गया, या फिर आपके वेक्टर जो मॉस्किटोज वगैरह आ गए, या फिर आपके क्या आ गए, पेस्ट आ गए जिसमें लोकस्टा आपने देखा, और उसके अलावा क्या आ गया आपका, किंग क्रैब आ गया, जिसको आप क्या बोलते हो, लिविंग फॉसिल बोलते हो। तो बच्चे ये जो पूरा था, ये क्या था आपका, यहाँ पे फाइलम ऑर्थोपोडा थे, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज क्या थे, उसके यूनिक फीचर थे।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद करने के लिए अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बिकॉज इतने सारे फाइलम्स हमने डिस्कस कर लिए और हमेशा हम कैसे कर रहे हैं, कंपैरिजन करके कर रहे हैं, तो उससे चीजें क्या हो जाती है बच्चे, इजी हो जाती है। एज वेल एज आपने टेबल बनाया तो उसमें भी क्या हो गया होगा, थोड़ा इजी हो गया होगा पढ़ना, है ना। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ाई करनी है ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। अगर आप इसमें क्वेश्चन देखोगे तो यूनिक फीचर और एग्जांपल, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपके बिल्कुल जनरल कैरेक्टर है उसके लिए हमने सबसे पहले वीडियो दी थी आपकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आपको किसी कैरेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको वापस से रेफरेंस के लिए अपना देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने सेशन देख लिया, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी में सेम चीजें पढ़नी है एंड इससे रिलेटेड पीवाईक्यू करने हैं, एज वेल एज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि ये टॉपिक क्या हो जाए, टिप पे आ जाए, हमारा पूरा चैप्टर हमारा बिल्कुल तैयार हो जाए, ठीक है। तो क्या करो, एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। तो बेटा थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।